सो हेलो गाइस, वेलकम बैक जैसमिन ब्लॉग। आई होप यू आर फाइन। यहाँ पर मैं अच्छी हूँ, आप सब अच्छे होंगे, केयर से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं जा रही हूँ हेयर स्पा करवाने, हेयर कटिंग करवाने और हेयर कलर करवाने। और क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं, तो इनको अभी ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मैं इनको ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ, जैसे इंसानों का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वैसे मैं इसका कराने जा रही हूँ ट्रीटमेंट। तो चलो इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इस कैमरे से मैं शूट करती हूँ, तो मैंने इस कैमरे को रख लूँ मैं अपने बैग में। और आज मैं एक्टिवा से बिल्कुल भी नहीं जा रही, क्योंकि एक्टिवा कहीं गई हुई है और आज मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा, सही मजबूरी है। सो मैंने तो रख दिया इसका। सारे ना हटा रहे हैं पेपर।
सो आर यू रेडी फॉर माई न्यू लुक, लेट गेट स्टार्ट। मुझे तो इतना पसंद आया ना ये कलर जिसकी कोई हद नहीं है ना, वीडियोस में अलग दिख रहा है लेकिन आप फेस टू फेस देखेंगे ना मुझे तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर लगेगा आपको ये। चलो मेरे डॉटर के भी मैं हेयर कट करा लेती हूँ, बस मुझे है ना आगे के कराने हैं, पीछे के नहीं कराने क्योंकि मुझे इसके लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते हैं। तो बस एलिफी मेरे साथ में आई थी क्योंकि सुल्तानी लाना स्कूल गए हुए थे, तो बस मैं आगे से कटा रही हूँ उसका और सुल्तानी लाना को बाद में ले आऊँगी मैं, क्योंकि वो तो वेट कर लेते हैं, ये वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और सब कहते हैं कि ना इसी इसको करती हूँ सब कुछ, और मेरे हेयर देख रहे हो आप माशाल्लाह, नज़र नहीं लग जाए नज़र नहीं लगे, तो अच्छे हेयर हो चुके हैं और बाउंसी हो चुके हैं और वॉल्यूम ज़्यादा आ चुकी है इसके अंदर। और बस सामने से एलिफ के कट चुके हैं, अब मैं यह व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग आएगा शॉपिंग का। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप सभी को मैं एक बात बताऊँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड।